अब मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे वो बच नहीं पाएगी। पर तू ऐसा करेगी क्या? यार परी, ये लाइट को भी अभी जाना था। चारों तरफ अंधेरा हो गया, किसी की भी लाइट नहीं है ना। लगता है पूरे गांव की ही लाइट चली गई है। ठीक है ना, लाइट ही गई है, इतना क्या डर रही है? ये हाथ ऐसे कस के क्यों पकड़ा है तूने? यार तुझे नहीं पता, मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। तुझे डर लगता है अंधेरे से? अंधेरे से नहीं, फिर चूहे से, चिपकली से। ओए, नीति नाम है मेरा, मुझे चूहे चिपकलियों से डर नहीं लगता। तो फिर किससे डर लगता है तुझे? भूतों से। और भूत ना ऐसे अंधेरे में ही आते हैं। क्या तुझे भूतों से डर लगता है? वो बस मरे हुए इंसान की एक आत्मा होती है, और मरा हुआ इंसान किसी का क्या बिगाड़ देगा। ओए, तुझे भूतों से डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, मुझे मरे हुए लोगों से डर नहीं लगता, मुझे जिंदा चीजों से डर लगता है, जैसे जैसे चूहे, चिपकली, कॉकरोच, ये सब। और प्लीज तू ना मुझे उनसे बचा लेना, इतना अंधेरा है, पता नहीं इतने अंधेरे में दिखते भी नहीं है ये। ओए तो ठीक है, एक काम करते, अब से ना तू मुझे ऐसे भूतों से बचा लेना, और मैं तुझे चूहे, चिपकली और कॉकरोच से बचा लूंगी। ठीक है। तो वो आम सरपंच जी के खेतों से तूने चुराए थे? हाँ। अरे यार तुझे पता है ना उनके खेतों के आम कितने मीठे होते हैं, कंट्रोल नहीं हुआ, चुरा लिए मैंने। तू पागल है क्या? अक्कल है तुझमें? तुझे पता है तेरी वजह से सरपंच जी ने पूरे पिंड में सबको कितना कुछ सुना दिया, एक तरह से सबको चोर बोला है उन्होंने। अब हम सबको तो ये लगा कि ये काम जग्गी का ही हो सकता है, लेकिन ये सब तूने किया है। पर ठीक है ना, मैंने तुझे सच क्या बता दिया डर के मारे? तू तो मुझे डांटने लग पड़ी। अच्छा चल, यही ना, तभी मुझे भूतों से डर लगता है। भूतों के बारे में सोच गई ना, मैं इतना डर जाती हूँ कि सब कुछ सच सच बोल देती हूँ। मुझे नहीं लगता ये भूतों का डर कभी भी मेरी लाइफ से जाएगा। पागल कहेंगी। पार्वती, क्या हुआ, क्या सोच रही है? आप देखते जाइए माँ, दुनिया में सिर्फ एक ऐसी चीज है जिससे नीति सबसे ज्यादा डरती है, और उसी डर की वजह से वो सब कुछ अपने आप सच सच बताएगी। आई रियली वॉन्ट टू नो, नीति जुनेजा किस चीज से डरती है भाई? है मॉम, और मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे नीति खुद सब कुछ सच सच बताएगी कि उसने क्या किया है। एंड आई विल रिकॉर्ड एवरीथिंग, और वो रिकॉर्डिंग मैं सबको दिखाऊंगी। बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तू वीडियो कैसे बनाएगी? बाजवा हाउस जाके, आज रात मैं बाजवा हाउस जाके कैमरास फिक्स करूंगी, और कल जब राजीव और बाकी के फैमिली मेंबर्स मिस्टर वर्मा की मॉम की बर्थडे पार्टी पे जाएंगे, तब उनके पीछे से मैं नीति से सब कुछ उगलवाऊंगी और उसका असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। बेटा जी, ये तो सब ठीक है, लेकिन इस काम के लिए इतनी रात को जाने की क्या जरूरत है? कल सुबह चले जाना। नहीं दाई माँ, कुछ काम सिर्फ अंधेरे में ही हो सकते हैं। पुत्र, मैं सोच रही हूँ कि देखना, हम पे एक के बाद एक नई नई मुसीबतें आ रही है, तो क्यों ना हम ग्रह शांति पूजा या कोई और पूजा करवा ले जिससे कि सारी मुसीबतें टल जाए। हाँ, करवा लो, ये सही आइडिया है। वैसे भी पूजा पाठ से हर मुसीबत भाग जाती है, और वैसे भी जब भी कोई मुसीबत आए इंसान भगवान को याद करता है। पर मुझे किसी को याद नहीं करना, और ना ही कोई पूजा पाठ करवानी है। भगवान के भरोसे तुम जैसे कमजोर लोग रहते हैं, मैं नहीं। इसलिए आइंदा से ऐसी बकवास मत करना मेरे सामने। माँ, हाँ? चले? हाँ हाँ पुत्र, चल रही हूँ। ठीक है नीति, हम चलते हैं। हाँ मम्मी जी, थोड़ा जल्दी आ जाना प्लीज, घर पर कोई भी नहीं है, बाकी लोग भी जगराते में गए, पता नहीं कब तक आएंगे। इतने बड़े घर में इतनी रात को अकेले मैं। पुत्र, ये कैसी बातें कर रही है तू? तहनो इतने बड़े घर में कब से अकेले डर लगने लगा? नहीं नहीं, डर नहीं लग रहा है मुझे, बस मैं वैसे ही बोल रही हूँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कोई है नहीं ना घर पर। माँ प्लीज चलें, लेट हो रहा है। अरे चल रही हूँ ना, प्लीज जल्दी आने की कोशिश करना। हाँ
जल्दी ही आएंगे, तो चिंता मत करो। वैसे भी इतनी देर में करना क्या है उते? जल्दी हो। हाँ हाँ चलिए। चल चल। ओफो, ये मौसम को भी आज ही खराब होना था। कितनी हवा चल रही है। ये रहा माइक्रोफोन। और मॉम, मैंने उस घर में साउंड इफेक्ट्स के लिए स्पीकर्स लगा दिए हैं। कैमरास भी फिट कर दिए हैं। और ये रहा रिमोट। इस रिमोट से मैं सारे साउंड इफेक्ट्स कंट्रोल कर सकती हूँ। अगर मुझे थ्रिलर म्यूजिक चाहिए होगा तो मैं थ्रिलर म्यूजिक प्ले कर सकती हूँ। अगर हॉरर म्यूजिक चाहिए होगा तो हॉरर म्यूजिक भी प्ले कर सकती हूँ। अपने हिसाब से वॉइस मॉड्यूलेट कर सकती हूँ। सब कुछ हो सकता है इससे। और मॉम देखिए, इस बटन से स्मोक इफेक्ट क्रिएट होगा। स्मोक मशीन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती। इतनी बड़ी मशीन नीति देख नहीं लेगी। आई नो मॉम। मॉम आपको याद है, हम जापान में एक एग्जीबिशन के लिए गए थे। वहां मैंने सारे इक्विपमेंट्स देखे थे और तभी मैंने ऑर्डर कर लिया था। सब कुछ सेट है मॉम, सब कुछ प्लान्ड है, कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो कह रही है टेंशन मत लीजिए, और मुझे इतनी टेंशन, इतनी घबराहट हो रही है, क्योंकि यार वी आर नॉट डीलिंग विद अ नॉर्मल पर्सन। नीति दुनिया की सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक लड़की है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब सही होगा। आज उस नीति की कोई भी चालाकी काम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। जैसे मैं उस घर में जाऊंगी, मैं लाइट फ्यूज ऑफ कर दूंगी, पूरे घर में अंधेरा हो जाएगा। इवन आज तो मौसम भी हमारे साथ है, कड़कती बारिश, गरजते बादल। और ये बारिश नीति को और भी ज्यादा डराएगी। मॉम, मैंने उस घर में एक वॉइस एको मशीन भी लगाई है, जिससे मेरी आवाज पूरे घर में गूंज सके, और ऐसे माहौल में नीति की हालत देखने लायक होगी। वो डर के सब कुछ सच सच कबूल कर लेगी, और ये सब नाइट विजन कैमरास में रिकॉर्ड हो जाएगा। मॉम, सब कुछ सेट है, सब कुछ प्लान्ड है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। भगवान करे आज तू अपने मकसद में जरूर कामयाब हो, मुझे पूरा विश्वास है। आज नीति का सच सबके सामने लाकर रहेगी तू, मुझे पूरा विश्वास है। आज तू उसे एक्सपोज जरूर करेगी। बस याद रखना, तू जो भी करे, जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल बच्चे। मेरी पार्वती, मेरे बच्चे, मेरे पास सही सलामत वापस ले आना। ऑल द बेस्ट। चलो, 12 तो बज गए, केक कट गया होगा। संजय और मम्मी जी आने वाले होंगे, थोड़ी देर और जाग लेती हूँ। थैंक यू सरल, ये मास्टर की अरेंज करवाने के लिए। तो के पैरों के निशान उल्टे होते हैं, इसलिए उल्टे निशान ही बनाती हूँ।
चाहती हूँ फ्यूज उड़ाने। लाइट क्यों चली गई है? ओह गॉड, अंधेरे में तो मुझे बहुत डर लगता है, क्या करूं मैं? साइडल किचन में आनी पड़ेगी। मैं आ रही हूँ।